नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सीजी बोर्ड के ट्वेल्थ केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो सीबीएसई पैटर्न पार आया हो सकता है और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाए चलिए शुरू करते हैं सेक्शन वन सीजी बोर्ड ट्वेल्थ केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर सीबीएसई पैटर्न वन सी जी बोर्ड के ट्वेल्थ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई पैटर्न पार आता है जिसमें सभी चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाते हैं टू क्वेश्चन पेपर में थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर सॉल्व करना होता है थ्री हर साल सी जी बोर्ड अपने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर में कुछ अपडेट्स करता है ताकि स्टूडेंट्स को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्किल्स मिल सके फोर सीबीएसई पैटर्न पा बेस्ड क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करने का मकसद स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उन्हें तैयार करना होता है सेक्शन दो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वन सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वो एग्जाम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को एक और मौका देते हैं अपने एग्जाम्स क्लियर करने का अगर उन्हें मेन एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं टू सीजी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी वही क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता है जो मेन एग्जाम्स में था ताकि स्टूडेंट्स को एक फेयर चांस मिल सके थ्री सप्लीमेंट्री एग्जाम्स स्टूडेंट्स को एक एडिशनल टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने और अच्छे मार्क्स लाना फोर ये एग्जाम्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में भी फेल हो जाते हैं तो उनका एक साल का लॉस हो सकता है सेक्शन तीन टिप्स फॉर प्रेपरेशन वन स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए तैयार होने के लिए रेगुलर रिविजन और प्रैक्टिस करना चाहिए टू तो सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना और वीक एरियाज को फोकस करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए थ्री प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स सॉल्व करके एग्जाम पैटर्न को समझना और टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करना जरूरी है फोर टीचर्स और मेंटोर्स से गाइडेंस लेना और डाउट्स को क्लियर करना भी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होता है